मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया। बहुत खूबसूरत। दुआओं में तो लोग याद रखेंगे ही, आपके एक्सप्रेशंस भी याद रखेंगे और आपके फिल्मों का भी अब लोग इंतज़ार करेंगे। आपको बॉलीवुड की फिल्में पसंद हैं, कौन से एक्टर आपको बहुत अच्छे लगते हैं? एक्टर से भी बढ़कर मेरे को दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती है। उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी। आप विलिंग हैं काम करने के बॉलीवुड में, क्योंकि हाँ बहुत से साउथ की एक्ट्रेसेस बाहर आकर बॉलीवुड में काम करती हैं और सफल होती हैं, आप भी अपना नाम कमाना चाहती हैं। हाँ हाँ ज़रूर 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 बॉलीवुड में भी करना चाहूँगी। कौन सा एक्टर आपको पसंद है, किस तरह का किरदार आपको अच्छा लगता है? एक्टर्स भी बहुत सारे हैं। रणवीर सिंह पसंद है, शाहरुख खान पसंद है। तो ये रणवीर सिंह तो इन दोनों छाए हुए हैं, शाहरुख खान तो किंग ऑफ रोमांस कहे जाते हैं, तो उनका कोई सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो? सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं उनके, सारे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं मुझे। कोई एक सॉन्ग जो वैलेंटाइन डे पर, आप तो नेशनल क्रश हो गए हो तो उनके लिए, लोगों के लिए। मैं ट्राई करती हूँ। जन्म 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 साथ चलना यूँ ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जा है भले तो बदन हो जुदा, तेरे होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। बहुत खूबसूरत। प्रिया, आज तो वैलेंटाइन डे है और जो लोग 4 दिन से आपके वीडियो देख रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, वो उन्होंने तो आपको अपना क्रश बना लिया, आपका कौन क्रश? मेरा अभी तो कोई क्रश नहीं है, मेरा को एक्टर रोशन ही है सबसे बड़ा क्रश। और आप जब स्कूल में, आपका कोई क्रश होगा कॉलेज में, अब तो आप बीकॉम कर रही हैं, कॉलेज में कोई क्रश, कोई लड़का? नहीं, मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ तो नो क्रशेस। गुड। तो हम ये चाहेंगे कि वैलेंटाइन डे पे आप लोगों का जो वीडियो वायरल हुआ है, आज साथ ही साथ एक हैदराबाद में कंट्रोवर्सी हुई है इस गाने को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? एक कंप्लेन दर्ज की गई है कि इस गाने में कुछ आपत्तिजनक है, कंट्रोवर्शियल है, आपका क्या कहना है? मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरा कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में तो पता नहीं। प्रिया साथी हमारे साथ जो एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे एंकर हैं, वो कुछ अपने सवाल पूछना चाहेंगे, तो हम उनसे सवाल लेते हैं। रोमाना, आप चाहे सवाल पूछ सकती हैं, हमारे साथ जी प्रिया जुड़ी मृत्युंजय, हुई हैं। जी जरा जानिए आप प्रिया प्रकाश से, वो जो गाना है जिसे लेकर पूरा विवाद है, उसका वो हिंदी में अनुवाद बता पाएंगे हम लोगों को? वही गाना शायद गुनगुनाया भी था प्रिया ने। प्रिया, एक जो जो सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, जो आपने शायद गुनगुनाया भी गाना, क्या हिंदी में उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक को समझना चाहेंगे उस गाने में है क्या। ये गाना एक्चुअली एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, इट्स अ मुस्लिम ट्रेडिशनल सॉन्ग, इट्स कॉल्ड अ मापला पाट एंड इट इज़ यूजुअली सॉन्ग फॉर मुस्लिम ओकेशंस। उनका गाना है और वो गाना हमने रीमेक किया है अभी। इट्स नॉट टोटली ए रोमांटिक सॉन्ग, ये सिर्फ इतना है कि जब हमारे मूवी में दिखाया गया तो हमारा इंट्रो सॉन्ग है और वो फील और वो सूथिंग फील जो है वो एक रोमांटिक नंबर बन गया, दैट्स इट। मैं चाहूँगा कि आप सीधे रुमाना से बात करें, तो मैं ये ईयरफोन चाहूँगा आप लगा लें, जिससे कि आप रुमाना की बात आराम से सुन सकें। साथ ही साथ हमारे और भी स्टूडियो से सवाल होंगे आपके लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो प्रिया, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं स्टूडियो से रोमाना बोल रही हूँ। हाँ, मिल रही है मिल रही है। तारीफ कहाँ से शुरू की जाए प्रिया प्रकाश की? नैन कटारी, अखियों से गोली मारे, ये गाने हम सुनते आए थे और आपने वो करके दिखाया, होता क्या है? तो सबसे पहले एक बार जरा फिर से वो आंखों के एक्सप्रेशंस, नैन कटारी वाले प्रिया।
अच्छा, ये रातों रात जो स्टार बन गई हैं आप, इतना स्टारडम, इसका असर क्या हो रहा है प्रिया पर? मुझे पता नहीं कि इतना कैसे हैंडल करूं ये सब कुछ. बहुत नया फीलिंग है, पर मैं बहुत खुश हूं. और किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं? बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं. बहुत लोग पसंद कर चुके हैं और बहुत लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं. बहुत खुशी हो रही है. वैलेंटाइंस डे है आज, प्रपोजल्स कितने आए ये बताइए. जी सॉरी, वैलेंटाइंस डे का मौका है, कितने प्रपोजल्स आ चुके हैं आज अब तक प्रिया पर? प्रपोजल्स तो मुझे पता नहीं, बहुत सारे आ गए हैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस द्वारा और कमेंट बॉक्सेस में. सब लोग प्रपोज कर रहे हैं. पता नहीं, मैंने गिना नहीं अब तक. कोई पढ़ा हो आपने प्रपोजल जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? नहीं, ऐसा कोई नहीं. एक्चुअली मैंने मैसेजेस अब तक पढ़ा नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला है. ऐसे कुछ स्पेशल मैसेज नहीं था. और रियल लाइफ में प्रिया के साथ वैलेंटाइंस डे की कोई याद जो आप बताना चाहें, असली अनुभव? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, तो नहीं है. अच्छा, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के बारे में जरा बताइए. इसका एक तो मतलब बताइए, इसके नाम का जो टाइटल है वो ओरु अदार लव, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट कर दें तो? द कैप्शन एक्चुअली मीन्स अ सुपर्ब लव स्टोरी. एक्चुअली दैट्स द मीनिंग ऑफ द कैप्शन. और मूवी एक स्कूल स्टोरी है और सेंट्रल कैरेक्टर एक स्कूल है और वी आर डिस्कसिंग अबाउट लव, क्रशेस एंड फ्रेंडशिप. इनोसेंट लव स्टोरी. सॉरी, इनोसेंट लव स्टोरी फिल्म की थीम. हाँ हाँ, लव इन द टाइम ऑफ स्कूलिंग, दैट इज व्हाट द थीम इज. तो आगे के लिए क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है प्रिया के साथ वो प्लान था? प्रिया ने सोचा था कि वो फिल्म्स में आएंगी या सब कुछ बस होता चला गया, ये बताइए. फिल्म में आना तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, पर मैंने नहीं सोचा था कि एक सीन या एक मूवी से इतना लोग पहचानेंगे. और इट वाज ऑल अनएक्सपेक्टेड. तो वो जो पहला आपका प्रोमो आया जिसमें आप आंखों के जो एक्सप्रेशंस दे रही हैं, जरा उसके बारे में बताइए. वो किसने कंसीव किया? डायरेक्टर साहब ने आपसे कहा था कि इस तरीके से आपको आंखें मटकानी है, ऐसे नैन कटारी बनना है प्रिया को, हुआ क्या था? उन्होंने बोला था कि कुछ करो, कुछ मैनरिज्म करो जिससे लोग तुम लोगों को नोटिस करें. क्योंकि एज यू नो 30 सेकेंड्स का ही है हमारा पोर्शन, तो कुछ अच्छा करे और कुछ शार्प करे जो लोग याद रखे. तो उन्होंने बोला कि आँख मारना और हो सके तो वो आईब्रो थिन करना. तो मैंने बोला हाँ ट्राई करती हूँ. पता नहीं था कि इतना बड़ा हिट होगा. तो आप तो क्लासिकल डांसर हैं, इस वजह से आपको बहुत आसानी हुई होगी उस तरीके के वो एक्सप्रेशंस देने में, लेकिन हम आपकी को स्टार को देख रहे हैं रोशन जो हैं, वो भी उसी तरीके से आंखें मटका रहे हैं, तो उन्हें क्या आपने ट्रेनिंग दी? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ही इज ऑल्सो डांसर, तो उन्हें बिल्कुल मुश्किल नहीं था ये. एक्चुअली मुझे उनका रिफ्लेक्सेस थे जो मेरे को एक व्हाट टू से मोटिवेशन हुआ ये करने के लिए.
अच्छा ये बताइए कि फेसबुक और ट्विटर पर कह रहे हैं कि आपका पहले कोई अकाउंट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आपके फॉलोवर्स बढ़े, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ, मेरे ट्विटर अकाउंट नहीं था और अभी भी नहीं है। जो अकाउंट है वो फेक है। फेसबुक में भी मेरा अकाउंट नहीं था, अभी 2 दिन पहले मैंने ऑफिशियली एक पेज शुरू किया। इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव थी, पर उतना भी फॉलोअर्स नहीं था। एक सॉन्ग के बाद सब कुछ बदल गया। और जब ये सीन आ गया आपका, उसके बाद ही ट्विटर पर आपने क्या नया अकाउंट अपना बनाया, क्योंकि वेरीफाइड शायद अकाउंट है वो, अब बना लिया है आपने? नहीं नहीं नहीं, ट्विटर में जो अकाउंट है वो फेक है, मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। और फेसबुक का आपका अपना है पेज? हाँ हाँ, फेसबुक में मेरा ऑफिशियल पेज है। अच्छा प्रिया, आगे का प्लान क्या है प्रिया का? आप केरल के अंदर ये मलयाली फिल्म, इससे तो आपने धूम मचा दी है, हिंदी फिल्में हैं आगे टारगेट? जरूर जरूर, हर इंडस्ट्री में वर्क करना चाहूंगी जरूर। कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे ऑफर्स आए थे, पर अभी के लिए तो कुछ नहीं कर रही हूँ। आफ्टर माय डेब्यूट मूवी रिलीजेस मैं कंसिडर करूँगी जरूर। और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, मतलब अब पढ़ाई का क्या होगा, बीच में रोक दी जाएगी? नहीं नहीं, पढ़ाई तो मैं छोड़ नहीं सकती, पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ उसके ही साथ। और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, मेरी जैसे हैं, एक्साइटेड है। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में प्लीज बताइए, क्योंकि जानना चाहता है देश आपके बारे में, परिवार में आपके कौन कौन हैं, बताइए जरा। मेरे पापा सेंट्रल एक्साइज में काम करते हैं और मम्मी होममेकर है, और मेरा एक छोटा भाई है जो 6th में पढ़ता है। मतलब फिल्मों से कोई फैमिली कनेक्शन नहीं था आपका, फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अब आगे यहां से प्रिया के प्लान्स क्या हैं, ये बताइए आप। अभी तो एक्टिंग कंटिन्यू करना है डेफिनेटली, क्योंकि वही था मेरे ड्रीम पहले से, तो एक्टिंग कंटिन्यू करना है और साथ ही स्टडीज भी कंटिन्यू करनी है। चलिए, हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए, और चलते चलते वैलेंटाइंस डे का क्योंकि मौका है, तो एक बढ़िया सा गाना हो जाए उन आंखों के एक्सप्रेशंस के साथ। जरूर जरूर, मैं अपनी ही मूवी के सॉन्ग गाना चाहूंगी। माणिक्या मलराय पूवी महदिया खदी जबीवी मक्कयन्ना पुण्य नाटिल विलसिडुम नारी विलसिडुम नारी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। चलते चलते कुछ ऐसा तो नहीं स्टारडम का साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है? सड़क पर निकल रही है तो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, पहचान रहे हैं प्रिया को, क्या हो रहा है? हाँ हाँ जरूर पहचान रहे हैं, पर मुझे अभी रेस्ट्रिक्शंस मिल गया है कि घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि सेफ नहीं है, तो इसीलिए अभी पब्लिक फंक्शंस या ऐसे अकेले बाहर या फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जा रही हूँ। चलिए, हमारी तरफ से एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा वैलेंटाइन गर्ल नेशनल क्रश प्रिया प्रकाश, जो लगातार हमारे साथ बनी हुई थी, सवालों का जवाब दे रही थी, अपनी आंखों से उन्होंने वो एक्सप्रेशंस भी करके दिखाए जिससे सुर्खियां बटोर रही हैं और इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं प्रिया प्रकाश। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।